भीम आर्मी के द्वारा आज गांधी पार्क से रैली निकाली गई, जो अस्पताल चौराहा होते हुए कलेक्ट्रेट तक गई। यहां उन्होंने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। कहा कि जिले में मुख्य मार्गों पर बाबा साहब की मूर्ति को नहीं लगाया जाता, वहीं ये रही राजनीतिक लोग हैं जो राजनीति के नाम पर बाबा साहब के विचारों की बात करते हैं, उनके संविधान की शपथ लेकर संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, लेकिन उन्हीं के विचारों और प्रतिमाओं को घृणा रूप से देखते हैं, उनका विरोध समय समय पर करते नजर आते हैं। शिवपुरी के समस्त मुख्य चौराहों पर परिवारवाद स्टैचू और हर समुदाय वर्ग के लिए चौराहा मुख्य मार्ग पर आरक्षित कर दिया गया है, लेकिन जिनके कानून और संविधान पर चलने वाले देश को उन्हीं के क्षेत्र में अनदेखा और उनकी प्रतिमा को ना लगाकर बाबा साहब का अपमान किया जा रहा है। द्वारा श्रीमान जिला अधीक्षक महोदय जिला शिवपुरी के द्वारा विशेष ग्वालियर बाईपास स्थित चौराहे पर संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित करवाए जाने बाबत महोदय सेवा में निवेदन है कि जिले के अंदर प्रमुख मार्गों पर बाबा साहब की प्रतिमा को लगाया नहीं जाए जाता। ये वही राजनीतिक लोग हैं जो राजनीति के नाम पर बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों की बात करते हैं, उनके संविधान की शपथ लेकर संविधानिक पदों पर बैठे हैं, लेकिन उनके ये दिया गया है 2003 से जो संघर्ष जो चल रहा है हमारा बाबा साहब के सपनों को और जो बाबा साहब के चौराहे को जो लेकर विचारधारा के ऊपर चल रहा है 2003 से जो बीएल काउंटर राव साहब थे तो उन्होंने पजेशन दिया था, लेकिन आज तक वो मूर्ति 15 साल 17 साल से मेरे घर पर रखी हुई है। मूर्ति की प्रतिमा को स्थापित नहीं होने दे रहे राजतंत्र के लोग, क्योंकि ये राजतंत्र स्थापित करना चाहते हैं। जो राजतंत्र है प्रजातंत्र आप और हमें राजतंत्र, आप समझ सकते हैं राजतंत्र कौन है। एक तरफ तो बाबा साहब के संविधान की शपथ खा के बोलते हैं कि मैं बाबा साहब के संविधान की शपथ खा के कहता हूँ कि मंत्री पद की शपथ लेता हूँ, विधायक पद की शपथ लेती हूँ, ऐसा कुछ भी बोलते हैं जो लोग, लेकिन जब बाबा साहब के सपनों की बात आती है, बाबा साहब के पार्क की बात आती है, चौराहे की बात आती है, तो एक समय पर इनके चेहरे पर सन्नाटा पड़ जाता है। एक समय पर जो इनके जो दो मुँह सांप जो रहता है वो रवैया सामने निकल के आता है।